खान साहब की जिंदगी के ऊपर, इन्होंने पाकिस्तान को जिस धाने पर ये ले गए हैं, जो इन्होंने मजाक बनाया अपनी फॉरेन पॉलिसी का, और जो रशिया गए और उसके बाद ये चाइना गए, ऐसा ऐसा ब्लंडर है जिसकी हद कोई नहीं। अब मैं बात करना चाहता हूं फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में। हालिया उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर एक तो सबसे पहले ये जो दुनिया में वो कर रहा है भारत, अमेरिका और चाइना और रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप तभी हो सकते हैं जब आपकी इकॉनमी ठीक हो, जब आप मुआशी तौर पर स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट आप हो मुआशी तौर पर, आपके फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग हो, आप इस तरह की चीजें तभी कर सकते हैं। ये तो पहला फंडामेंटल चीज ये है। आप एक फकीर हैं, वो एक कस्टमर है। एक कस्टमर और एक फकीर का स्टेटस आप खुद डिफाइन कर लें कि दरवाजे पे खड़ा एक कस्टमर आपको उसको किस तरह आप अंदर लाते हैं, और एक फकीर को किस तरह लाते हैं अंदर, मांगने वाले को। और उनका स्टेटस एज ए कस्टमर, वो त्यारे लेते हैं, बोइंग लेते हैं, राफेल लेते हैं, S-400 लेते हैं, उनका स्टेटस ये है। अब चाइना एक्सेप्ट करता है, चाइना उनकी इस रीजन के अंदर उनको एक पावर समझता है, और उनका चाइना का बहुत बड़ा कस्टमर है इंडिया, भारत। अब भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रुप मौजूद था वो जो समझता था कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे जाए। अब जब दोनों कंट्रीज जिनकी एक्सपोर्ट अच्छी हो, जिनकी इकोनॉमीज अच्छी हो, वो एक दूसरे के उनको वो समझते हैं हम एक दूसरे की जरूरत है, आपने उसको एज ए ब्लैकमेल किया आपने चाइना को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि जी आपका हमारा दुश्मन और आपका दुश्मन, और इसलिए चलें जी मिलकर करें। लेकिन वो आपकी हद तक वो नहीं जा सकते। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है भारत के लिए क्लाइंट है, वो उसको खराब नहीं कर सकते। आप समझते थे कि आप उनके दुश्मनी का आप फायदा उठाएंगे, तो वो आपकी फॉरेन पॉलिसी देखने, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा आपकी रीसेंट दो ब्लंडर आपकी फॉरेन पॉलिसी, एक ईरान का और अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर OIC में ना आना, और उसके बाद OIC की मीटिंग से पहले दुबई और सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन कश्मीर में जाना, ये दूसरा ब्लंडर। तीसरा ब्लंडर ये आपने जो बताया है कि चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है ही हैज गॉन टू इंडिया, उसकी वजह ये है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के लीडर है, वो इस्लामाबाद में फॉरेन सर्विस को, फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन पॉलिसी को वो नहीं चला सकते। सही कह रहे हैं, सही, ठीक है। तो सर ये शाह महमूद कुरैशी साहब की आप बात करें, ये तो प्राइम मिनिस्टर बनने के वो काब देखते रहते हैं, तो पता नहीं उनको टाइम मिलता है मौका या नहीं मिलता। लेकिन ये जो सर आपने बात की, यानी ये कि एक जिसको समुद्रों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती जिसकी कहा ही जाती है, तो वो जो है वो एक ऐसे कंट्री की तरफ जा रहा है जो कि मतलब ये कि पाकिस्तान ने क्या उसके बारे में कुछ सोचा, इन्होंने कोई बात की उनसे कुछ कहा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो दूसरा कंट्री तो जरूर अपने उससे बात करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने जाना था तो उन्होंने यहाँ पर जब OIC थी तो कश्मीर के हवाले से बात की, तो उसके ऊपर इंडिया ने उनको कंडेम किया, और उनको हालांकि उन्होंने पहले ही कह चुके थे कि उन्होंने उस तरफ जाना था, लेकिन वो नहीं रुके, उन्होंने उनकी जो थी उन्होंने कहा ठीक है आना होगा आएंगे, अपने उस पर आ रहे हैं। ये बात आपने सही की कि अपने पैरों पे जो खड़ा हो वो तो फिर इसी तरह करता है। आप एक दुनिया की वाहिद इस्लामिक सुपर एटॉमिक पावर हो और आप मुआशी बहरान में घिरे हो, आप IMF के पैकेजेस का इंतजार कर रहे हो, कभी आप रशिया से गंदम मांग रहे हो, कभी चाइनीज के कदमों में पड़े वहां से खैरात मांग रहे हो, इन हालात में 10 लाख लोगों को इकट्ठा करके आप दुनिया को क्या सिग्नल दे रहे हैं? आप पहले ही जो वेस्ट है, खासकर जहां मैं बैठा हूं Washington DC, वो पहले ही क्वेश्चन मार्क है उनके कि आपने 20 साल उनको जलील किया है, वो पहले इस चीज पे नादा है, वो पहले ही आपके आपके तो मीडिया ने इस चीज को नहीं उठाया, लेकिन आलिया यहां पे आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो है वो कांग्रेस में बिल पेश कर चुके हैं कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए, और 22 सेनेटर पहले क्वेश्चन मार्क है, आज से 2 महीने पहले वो अपना बिल पेश कर चुके हैं कि हमारी अफगानिस्तान में फ्लोर जो है इज ड्यू टू पाकिस्तान। तो इन सर्कमस्टांसिस में आपका ये बनता है कि आप 10 लाख 15 लाख लोगों को इस्लाम के नाम पर, खास बिलखसूस सियासी पॉइंट के लिए नहीं, सियासी जद्दोजहद या जमहूरियत के लिए नहीं, आप इस्लाम के लिए डंडा बरदार लोगों को इस्लामाबाद में आकर इकट्ठा करें, तो इस पे क्या सिग्नल लेगी दुनिया कि आपके अजाइम क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है? आप सोमालिया बनने जा रहे हैं, आप अफगानिस्तान बनने जा रहे हैं, आप आगे सीरिया बनने जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं? और बिल्कुल मैं एक और बताता हूं कि इससे बिल्कुल तकवीयत मिलेगी लोगों को मजीद आपके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में बोलने के लिए,
इसमें दूसरी जो आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन सब चीजों को जो पहले ही आपके क्रिटिक हैं, आपकी डिप्लोमेसी की फ्लेवर तो हर जगह पे है पहले, लेकिन ये कि उनको मजीद पॉइंट मिलेंगे कि यू कैन बी अ थ्रेट टू द वर्ल्ड, तो उस पे बिल्कुल मैं समझता हूं कि जो आपके दारे, आपके जो भी फैसला करने वाले जो पावर्स हैं, उनको चाहिए था कि इन चीजों को रोका जाता, इन चीजों को सॉल्व किया जाता। इसका वाहिद सलूशन ये है कि न्यूट्रल रहकर इलेक्शन होते और उसके बाद वो गवर्नमेंट आगे चलती फौरन। जहां आपने ये बात की कि अगर मिसाइल गिरता है तो उनकी वो नहीं आती, उनकी तवज्जो क्योंकि सारी इस तरफ है और कुछ वो देख ही नहीं रहे, तो उसी में हमने ये देखा कि जो चाइना है उसके ताल्लुकात भारत के साथ, क्या आप समझते हैं कि ये आगाज है? इसकी वजह यह है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से अफगानिस्तान गए और उसके बाद वो इंडिया गए, उन्होंने नेपाल भी जाना है, लेकिन इंडिया का दौरा यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई ये तो उन्होंने खुद कह के किया। देखें इसमें खान साहब, मैं जब कंपैरिजन, खान साहब हमेशा इसको करते हैं कि मैं भारत के साथ अपने कंपैरिजन करते हैं, ये बिल्कुल गलत करते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान और भारत, उसकी डेवलपमेंट में, उनकी मुआशी डेवलपमेंट में, उनकी सियासी नशोनुमा में, सियासी ट्रेनिंग की, फिर उनका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत आगे जा चुके हैं। अब अपना कंपैरिजन जो है वो आप नेपाल से किया करें, आप बांग्लादेश से भी आपका कोई मॉरल नहीं बनती आपकी कि आप बांग्लादेश भी आपसे आगे जा चुका है, आपका कोई इस वक्त कंपैरिजन नहीं। आप भूटान वगैरह उस कैटेगरी में अगर देखें तो मेरे ख्याल में वो भी आपसे आगे होंगे। तो इन सर्कमस्टांसेस में अगर खान साहब, तो अगर ब्लंडर खान साहब की एक, जो मैं पहले आपको बात कर रहा था कि भुट्टो साहब की तरह ना, ये जलसों में आपने देखा खान साहब बोलते स्टाइल इनका बिल्कुल भुट्टो की तरह है, लेकिन खान साहब की कमजोरी ये है कि खान साहब बोलते बहुत ज्यादा है और खान साहब ने एक वाहिद वजीर आजम ऐसे हैं जो अगर आप इनकी रिसर्च करें 3.5 साल में तो 4,500 से ज्यादा इनकी तकारीर और क्लिप्स मौजूद हैं, और अपने ही जब भी ये कोई बात करते हैं साथ ही कोई पुरानी क्लिप करें तो उसमें कंट्राडिक्ट कर रहे होते हैं और टिकटॉक बन जाती है, उसके बाद जोक बन जाता है क्योंकि खान साहब खुद ही उसको कंट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। एक हफ्ता पहले कुछ कहते हैं, हफ्ता बाद कुछ कह देते हैं, या ये खुद कुछ कह रहे होते हैं, वजीर उसी टाइम पर 15 मिनट बाद कोई और स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। आपकी प्रेस भी उसको कवर नहीं कर रही, आपका मीडिया भी उसको बिल्कुल नहीं कवर कर रहा, और एक और सबसे बड़ी चीज नहीं कवर की, जब जापान का प्रीमियर गया तो आपके बारे में जो स्टेटमेंट है वो छोड़ गया, आपके मीडिया ने उसको भी कवर नहीं किया।